मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में दबंगों द्वारा चलाया जा रहा स्व सहायता समूह, जिसमें स्कूलों के छात्र छात्राओं के मुंह से छीना जा रहा निवाला। जैसा कि आपको बताते चलें कि टीकमगढ़ जिले के अधिकांश ग्रामीण अंचलों में दबंग लोगों द्वारा स्व सहायता समूह का संचालन किया जाता है, जिसे जिले के कई स्कूलों में नियमित मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं किया जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि समूह संचालन एवं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की सांठगांठ से ये सब चल रहा है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ के वर्मा ताल प्राथमिक शाला में एक ऐसा ही एक नज़ारा देखने में आया है, जहां के स्कूली छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं आते और जल्दी स्कूल की छुट्टी कर घर चले जाते हैं, और साथ ही मीनू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता, सिर्फ दो दो रोटी और पानी जैसी सब्जी, पतली दाल जिसमें कोई स्वाद नहीं होता। और बच्चों ने कहा कि हम लोगों किसी भी प्रकार की खेल सामग्री प्रदान नहीं की जाती। वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के शिक्षक समय पर नहीं आते, ना ही हमारे बच्चों किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जिससे शिक्षकों की लापरवाही के कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आता है। जब इस संबंध में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की गई तो वह अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। सर, 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 ना फुटबॉल ना। सर, सर वो पर्चा बना सौ उधर पे, सर उसका खाना का, सर उसका, सर सर उसका नियम के अनुसार नहीं आता था। कभी वो आता ही नहीं। रोज की दो पूड़ी मिलती है, वहाँ दो रोटी, आलू, पानी, 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 खाना कैसा मिलता है आप लोगों को? पूड़ी कितनी आती है? दो। और सब्जी? सब्जी पानी सी आती है और नमक कम। बेटा आपका कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ आप? यहाँ पर बेटा क्या दिक्कत है विद्यालय में आपको? सर 15 अगस्त थी तो एक थाली में तीन तीन जने खाते थे, और यहाँ पर मैम से बोलते हैं तो मैम जी धमकी देती है। कैसी धमकी देती है? कब बोला है कि कब रोज को तो आते हैं, ऐसे बोलती है। आती कितनी बजे है वो? मैं अभी अभी यहाँ लगी 15-20 दिन से, नहीं तो 6 में पढ़ती थी, जब 12 बजे से ना नहीं आती। अभी 2-3 महीना पहले। खाना कैसा मिलता है? अच्छा नहीं मिलता है। और हमारे वो लोग कहते हैं कि रोज को नहीं मिलता खाना। रोज को बिलाल ले आएंगे तो बोलती थी, वो बोलती है कि गिन के बच्चा लेंगे, अभी पूरी दो मिलते हैं, पूरी जो भी हो दो मिलते हैं, खाना में वो नहीं आता नियम के अनुसार, खाना भी नहीं आता। उन्हें कहती हैं जब कभी नहीं बोलती कि बिलाल। क्लास में पंखे कितने टाइम से नहीं लगी? सर खेल का सामान मिलता है तुम्हें? नहीं सर। खेलने का सामान नहीं मिलता? नहीं सर। नाम क्या? अजय। हमारे घर आ रहे सर। अच्छा जी बताओ। अजय न टाइम से बच्चन को पढ़ाती नहीं है मैडम। हाँ जी मैडम जी दया बता। ओए खाना में डेली दाल ही दाल आती है, पूछो बच्चों से। और पानी सी दाल आती है, आलू की सब्जी में शक्कर नहीं डालती है, नमक डालता है। बच्चों को कुछ नहीं आता? पढ़ाते नहीं? नहीं पढ़ाते। आपने कभी इसकी शिकायत की? शिकायत की लेकिन शिकायत में कुछ होता ही नहीं। कहाँ पर की शिकायत? आने का समय क्या है? आने का समय 11 बजे यहाँ को 12 बजे जाए। अच्छा अच्छा। लेकिन जे मैडम टाइम से आती, अभी झंडा में भी फट्टी नहीं थी बैठने के लिए। क्या था 15 अगस्त को झंडा? नहीं झंडा में क्या था? कुछ नहीं था। अच्छा। इधर नीचे सारे बच्चे बैठे थे, फट्टी लग गए बैठने के लिए। इस स्कूल की स्थिति तो बड़ी गंभीर है, यहाँ पे बच्चों को समय पे नहीं पढ़ा जाता, ना खाना वितरण होता है। खाना की मैंने कई बार शिकायत की है, अपने SDM साहब से की है, अपने जनपद CO से भी की है, इसकी जांच चल रही है। रहा इनका समय पढ़ाने का, तो ये लोग इनका कहना है बच्चों का कि समय पे टीचर नहीं आते हैं। अभी समय का तो हमको पता नहीं जी। लेकिन ये तो बच्चे लोग बता सकती है कितने बजे? हाँ बच्चों ने बताया कि समय पे जो लोग आते नहीं है, पढ़ाते भी नहीं। तो आप सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपका भी दायित्व बनता कि स्कूल की व्यवस्थाओं को देखा, तो आपने अभी तक गौर किया? मैं स्कूल में आता हूँ लेकिन कभी मैं 12 बजे आया, कभी 2 बजे आया, तो मुझे उपस्थित नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये लोग बच्चे बता सकते हैं मतलब समय क्या है इनका, आने का क्या जाने। आपको ऐसी गंभीर समस्या नजर आएगी तो क्या इनको आप पुनः निरीक्षण करेंगे? आप जी बिल्कुल निरीक्षण करेंगे, हम लोग बराबर आ रहे हैं, अभी तो समय से आ रही हैं, तो हम लोग भी सब लोग आते हैं। मैडम मैं खिलाऊंगी, रोज लड़ाई भाई बच्चों में,
खेल के ऊपर। सर ये कैदी, सर ये कैदी आप इन बच्चों को लेके आई मैडम, आप इन बच्चों को लेके आए आप यहाँ अभी लेके इनको क्लास से पूछ रहे? सुनो आप पूरा पूछो, हमने जैसे मैडम से कस करके आप और देखो हर कक्षा के बच्चों को खिलवाओ तो को नहीं खिलवाओ तो अकेले हम सबको देख ले। अब आप बताओ जवाब, अब आप जवाब सुनो सर, आप ये करते हैं अपनी जिम्मेदारी पर नहीं, जैसे लड़ाई हो जाए तो सर अपनी जिम्मेदारी पर नहीं कहा वो बस सर आज तू सर सामान की सर सामान की कही सर ये कहती का सर ये कहती का अध्यक्ष बन जा सामान की अपने अंदर में रखो जो ले तो टूट गया तो ही सामान सर ये क्लास में एक चीज दे दी जो करो करो है का पुलिस जाबे क्लास में आपको रुको रुको मैडम मैडम रुको आप आओ जिदाबादी है बड़ी क्या बोलती क्या बोलती आप लोग से क्या बोलते बोलती अगर हम बोलने तो कितनी के हम आए हैं ऐसे बोलती हो सभी के लेकिन और खादी सर कहती मां जाओ बोलती है वो सर बोलती सर हमेशा बोलती भी नहीं है सर खाई तो क्या सर बोलती है शिक्षक बच्चों को ना तो खिलाता है और ना देखता है, लड़ाई भी होते हैं अगर क्लास में तो अलग भी नहीं किया जाता है क्या, ये बात उचित है बताओ आप? आप परिवार ही है तो आप आप अपने कंट्रोल में रखती है शिक्षकों को? नहीं नहीं मानते बात कि जैसे ही आप जैसे ही हम आप प्रभारी हो और आप कौन फुल प्रेस हेड मास्टर हो, हमें नहीं मानने बात। आपने आपने कभी नोटिस जारी नहीं की? हमने भेजी है ना जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, यही जानकारी भेजी है हमने उनको भेजी गई जानकारी। सर ये बर्मा ताल में सर जो शिकायत आई है मध्याह्न भोजन के संबंध में, बच्चों को दो पूनी दी जा रही हैं, सब्जी बिल्कुल पानी सी दी जा रही है और वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम हैं उनसे बच्चे काफ़ी त्रस्त हैं और वहाँ के सरपंच भी बहुत त्रस्त हैं। अभी इस मामले में आप लोगों के माध्यम से ही मेरे संज्ञान में जानकारी आई है, ऐसी कोई जानकारी विभागीय तौर पर तो हमें नहीं मिली थी। वैसे हम मॉनिटरिंग वगैरह के लिए अपने तंत्र को ज़्यादा सक्रिय किए हैं और उपस्थिति वगैरह सब बुला रहे हैं रोज, और MDM की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो इसके बारे में हम कल ही अपने जन शिक्षक वगैरह को भेज के और जाँच करवाएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।